वेलकम बैक टू माय चैनल राधिका परमार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं और बस वहीं की तैयारी हो रही है। और आज मैंने पहनी है ये अपनी बांधी प्रिंट साड़ी और न्यू बैंगल्स पहने हैं जो अभी बहुत ट्रेंड में है, पानी वाले, सुंदर से लग रही है। और बस मैं भी रेडी हूँ, पूजा भी रेडी है और जा रहे हैं हम लोग मंदिर। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। भोलेनाथ सोच रहे हैं कि हम लोग जाएंगे कि नहीं, बट हम जाके ही रहेंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर। और ये इसमें जाएगा हमारा पानी शिव जी के लिए, एक ये तिक्षु के लिए रुमाल है ना, और ये पूजे का सामान। फ्रूट्स वगैरह तो मार्केट से ही लेंगे। तो चलते हैं तिक्षु। इतना बढ़िया सीन है पूजा ने गंगा जी के दर्शन में इतनी बारिश हुई कि पूजा ने गंगा जी के दर्शन कर लिए हैं, मिस कर दिया वो सीन गंगा जी। अब देखूंगी आगे आएगा तो। तो बस फाइनली हम आ गए हैं, धूप भी निकल आई है। भोलेनाथ ने सुबह तो कोशिश की थी कि ये लोग ना जाए मंदिर, देखते हैं, मतलब परीक्षा ली भोलेनाथ ने हमारी कि आएंगे कि नहीं। बट हम तो तैयार थे कि हमें जाना ही है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। तिक्षु मस्ती के मूड में है अब तो गाड़ी में आके, है ना? हेलो बोल दो एक बार। हेलो, हाय 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 बोलती है तिक्षु। हाय, अरे yes. आपने तो सैंडल भी पहन रखे हैं। अच्छा हाय बोल दो। हाय नहीं बोलेगी, इसके मन की बात है। तो बस हमें लगेंगे 10 मिनट पहुंचने में। और काफी यहाँ पे पानी भरा हुआ आप देख सकते हो रोड, क्योंकि यहाँ धौलपुर में ना 8 दिन से बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। यहाँ पे बेहद चंबल की देखो देखो तिक्षु, देखो गाय उधर, ये देखो गाय कितना अच्छा है, देखिए कितना हरा भरा है ना यहाँ पे देखो। और ये शैतान, हमारी सबसे ज्यादा शैतान, हम चुन्नू से परेशान थे, ये उसकी भी वो है ज्यादा। और ये देखिए नीचे जाके हैं हमारे अचली सर महादेव, बहुत नीचे जाके मंदिर है ये, बहुत ही ज्यादा सुंदर। पिछली बार भी मैंने ब्लॉग बनाया था, देखा होगा आपने, इस बार भी देखना। ले बारिश से ना बहुत ज्यादा कीचड़ हो गई है। और अब होना शुरू हो गई है बारिश और मौसम बहुत अच्छा है वैसे, है ना, मोर चिल्लाने का क्या सुंदर लग रहा है, है ना। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और पूजा हमारी हो गई बहुत ही अच्छे से और हमने एक तो फोटो भी करा ली है। और यहाँ पे आके ना जाने का अगर मन नहीं करता, ऐसा लग रहा है बैठे रहे, बट बारिश हो रही है तो एक सेल्फी ले लेते हैं। अब पूजा की एक सेल्फी रह गई है तो वो भी ले लेते हैं और फिर चलते हैं घर। देखिए कितना सुंदर व्यू यहाँ से लग रहा है, काफी बड़ा मंदिर है ये, पीछे तक है काफी दूर तक। बट अभी ना बारिश हो रही है तो मैं ज्यादा दिखाई नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे तिक्षु मस्त घूम रही है पापा के साथ। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब सच में। मुझे यहाँ पे वीडियो बना दे मेरी, यहाँ पे अच्छी आएगी। और ये देखिए चंबल, चंबल के चंबल, ये देखो ना उधर भी, ये क्या बना दिया बैठने के लिए, सुन रहे हो? ए तेरे, हेलो, वो बैठने के लिए बनाया हाँ। है
कितना अच्छा है यार वो बैठने के लिए। बारिश हो गई नहीं पूरा घूमते, ये देखिए कितनी अच्छी जगह है, बैठ जाओ आराम से पेड़, और ये क्या बोलते हैं नल, और ये कुआं भी है, ये कुआं है ना बड़ा वाला, ये बड़ा वाला कुआं है। चलो प्रसाद लेते हैं अब नीचे जाके, हमारे भोलेनाथ। उन्होंने ये टीका भी लगवा लिया है महाकाल का, तो चलो चलते हैं अब, है ना। अच्छा लग रहा है, ठंडा हो गया एकदम, बहुत सुंदर लगता है ये, है ना। चलो चलते हैं अब घर। ये है कुआ यहाँ पे बड़ा सा, अरे दीक्षु गुस्सा क्यों है भैया, इतना गुस्सा क्यों है दीक्षु, तेरे फोटो नहीं हो पाया तो दीक्षु के साथ फोटो ले लिया है ना, गुस्सा हो रहा है दीक्षु, मेरे साथ फोटो नहीं लिया मम्मा ने, अब ले लिया है ना। दीक्षु आज दीक्षु की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो दीक्षु मूड ऑफ है, ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। लाला अरे तुमने टीका खराब कर लिया, दीक्षु नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा, आ रहे पापा आ रहे हैं। तो हम लोग निकल आए आज, तो सच में मतलब भोलेनाथ ने बचा लिया, मतलब मैंने ये बचपन में एक बार देखा था कि ट्रैक्टर को बुलाओ गाड़ी निकालो, पर ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, पांच छह वो थे भैया, उन्होंने बहुत हेल्प की, और मतलब अच्छे से आगे घर पे जाके बताऊंगी पूरी कहानी क्या हुई। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश, और ये हमारा शैतान बच्चा ये गाड़ी चलाना चाह रही है। देखो आप हम लोग आ गए हैं घर पे और अब खा रहे हैं प्रसाद, और काफ़ी कपड़े गंदे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो बस इनको मैं चेंज करूँगी अभी प्रसाद खाने के बाद, फिर देखते हैं अपने लिए क्या बनाएं। और पूजा चेंज कर रही है और दीक्षु मारी खेल रही है, आज दीक्षु की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो उसने थोड़ा सा रोना धोना किया है। क्यों दीक्षु अब अच्छा लग रहा है, अल्लू नाम ले गई रोना सुनो, वो हलवा खिला दिए चीकू, हाँ आप खा लो, ये नहीं खा रही है रहने दो आप खा लो, नहीं है उसका मन खाने का रहने दो। दीक्षु हेलो बोल दो इधर, हाय, नहीं आज नहीं, उसको अपने हाथ से दे दे खा लेगी, अब इसको पता नहीं क्या हो गया हर चीज इसको अपने हाथ से खानी है, राइट हैंड से राइट से राइट से, अरे इस वाले से इस वाले से उस वाले से, ये देखो तो सीख ले दो मम्मा। अच्छा और अब ये चिढ़ जाएगी देखना, अभी देखना अगर मुंह में नहीं गया तो ले ये सही सिखाना है, मजा आ गया, अच्छा लग रहा है, हलवा खा लियो दीक्षु, आप दीक्षु के बहुत नखरे हैं क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो फुल वो कर रही है हमें परेशान, है ना दीक्षु अपने आप से खा लेते हो आप, ये देखो अपने हाथ से, अब इसको यही जिद होगी है कि मुझे अपने हाथ से ही खाना है। जब बड़ी हो जाएगी तब तो सीख जाएगी, जब तक मैं ही बड़ी होती जाऊंगी दोनों से। पूजा अपना पांडाल यही ले आई है, आलू छील ले। आज दीक्षु ज्यादा परेशान करे तो एक थप्पड़, मजा आ गया दीक्षु को एक थप्पड़ मिल गया आज, है ना, बहुत रो रही है ना इसलिए। तो अब हम बना रहे हैं किचन में कुछ खाने के लिए, है ना, क्या बना रही है मम्मा, और मुझे तो दीक्षु कुछ नहीं करने दे रही है, पूजा यहाँ पे बना रही है आलू, और बनाया केले का रायता, अनार वगैरह डाल के बहुत टेस्टी सा ना है रायता बनाया मम्मा ने, रायता और बनाएंगे आलू देना इसमें खाओगी नहीं, पानी पी लो है, अच्छा अच्छा सही से पी ले, अब शट अप शट अप कर दो सबको, चुन्नू भी स्कूल से आ गई है, चुन्नू भी खाना खा रही है और हम भी अपना व्रत का खा रहे हैं, चुन्नू नए स्कूल देखे अपने नए शूज आ गए स्कूल के,
तो बस मिलते हैं आपसे शाम को, इसके बाद मैं करूँगी किचन साफ और इसको संभालूंगी, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये कुछ नहीं करने दे रही है। गुड इवनिंग। तो मैं आई थी कि थोड़ा सा ब्लॉग का डी एंड करेंगे, अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है और यहाँ पे देखा तो बारिश होना शुरू हो गई है। और माँ ने शिवलिंग बनाए हैं, पार्थिव शिवलिंग, जो वो पूरा महीना बनाती हैं सावन के, तो बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा मौसम था। मैंने सोचा डी एंड करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे बाहर बैठ के, अच्छा लगेगा खुले में। बट आजकल गुलाब बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मेरी हरी, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ हैं, और एक गोरी है कलैया, पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे भाल माँ। तो बस यही, और मैंने पहन ली अपनी सुंदर सी चूड़ियाँ हरी हरी। और ये एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये कड़ा अभी ना बहुत ट्रेंड में है, ये देखिए ये पानी वाला बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मैं ये अभी मार्केट से लेके आई थी, 5-6 दिन पहले गई थी, तो मैं ये अपने लिए लेके आई, माँ के लिए, मम्मी के लिए, भाभी के लिए, सबके लिए ये लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर है ये, तो मैंने आज ये पहन लिया। और बस अब चलते हैं अंदर ही बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बारिश आना शुरू हुई, तो अपनी चेयर उठा लेते हैं। मैं पूरी व्यवस्था करके लाई थी बट क्या करें, अब कुछ फ़ोटो वगैरह एडिट कर रही है, और मैंने भी एक दो स्टोरी वगैरह डाल दी हैं अपनी, वीडियो वहाँ पे बनाई थी वो। और दिक्षु भी परेशान है, और चीकू की तबीयत भी अचानक से इतनी ख़राब हो गई है, सुबह उसको बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई थी, स्कूल नहीं गई, ट्यूशन भी नहीं गई है, अब भी उसको वॉमिट हो गई, पता नहीं क्या हो गया उसको। कल उसने भुट्टा खा लिया था शायद, उससे उसको बगुला के साथ भुट्टा से उसको हो गया है। और पूजा ने ये कपड़े निकाले हैं प्रेस के लिए, हो जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि उसको। और मैंने अभी खिचड़ी बनाई है, क्योंकि चीकू की तबीयत सही नहीं है और उसके पापा की भी तबीयत सही नहीं है, व्रत रहे थे सुबह से, दोनों खिचड़ी खा लेंगे, पापा जी भी खा लेंगे। और तिक्सु जब भी मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ ना, तो वो सीधा रोना शुरू कर देती है और आ जाती है। क्या हुआ? और मैं भी हूँ। अरे अरे अरे, अब चुन्नू थोड़ा समझदार हुई है तो अब ये हमारे लिए तैयार हो गई है, और इसने इतना परे, अरे बोलने दे। और ये तिक्सु कुछ नहीं बोलने दे रही है, इसकी तबीयत खराब थी। फर्स्ट मंडे को हम जाते हैं हमेशा अचलेश्वर महादेव, और फिर मैं नहीं जा पाई क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी। आज भी इसकी तबीयत खराब है, चीकू की तबीयत खराब है, और बस ये कुछ नहीं करने दे। ट्यूशन तो नहीं जा पाए, चुन्नू बोल रही है, ये चुन्नू बेटा ये कुछ बोलने दे तब है ना, ये गंदी हो गई है आज, जाओ पापा के पास जाओ। आए और फिर क्या हुआ, सारा पूजा वगैरह तुम्हारी अच्छे से हो गई, और फिर हमारे ना तो ये गाड़ी बैग ले रहे थे मेरे हस्बैंड, तो वहाँ पे चिकनी मिट्टी है, चंबल की वजह से मिट्टी है ना वो चिकनी है, और बारिश भी हो रही थी ज़्यादा, तो उसकी वजह से ना वो गाड़ी स्लिप हुई, तो ये बैग ले देते हो गाड़ी पीछे रोड के साइड में, थोड़ा सा गड्ढे वगैरह थे और वहाँ पे काफ़ी पेड़ थे, तो ऐसा पता नहीं चल रहा था कि नीचे गड्ढे कितने होंगे क्या होगा, ऐसा कुछ पता नहीं था। तो मैं और पूजा बाहर थे, तो हम देख रहे थे कि ये क्यों गड्ढे में लेके जा रहे हैं, अब मैं चिल्ला रही थी क्यों लेके जा रहे हो बाहर, क्यों लेके जा रहे हो, मुझे क्या पता था कि इनसे स्लिप हो गई वो गाड़ी, बैग ही जा रही है। और मतलब अब बता नहीं सकते, उस टाइम तो इतना हम घबरा गए कि अब क्या होगा, हे भगवान। बट वहाँ पे 3-4 लोग थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, वो भैया ने सच में, और फिर गाड़ी को निकाला इन्होंने जैसे तैसे, वहाँ पे पत्थर ढूंढे जो वहाँ पे लोग थे, उन्होंने बहुत हेल्प की, वो पत्थर वगैरह सब कुछ लगाए, फिर वहाँ पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तेज़ से वो गाड़ी निकली, और तब हम लोग घर पे आए, मतलब जान में जान आ गई जब गाड़ी निकली। तो मैं कह रही थी सच में आए तो भोलेनाथ ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। तो पता है एक भैया तो ये बोल रहे थे कि अगर ऐसे निकलती है तो ठीक है, अगर हम कोशिश कर रहे हैं और नहीं निकलेगी तो फिर ट्रैक्टर बुलाना पड़ेगा, तो वो ट्रैक्टर से आगे खींचेगा। मैं तो डर गई कि भगवान वो खींचे तानी वाली मत करवाना, बस ऐसे ही निकाल दो भोलेनाथ, कृपा कर दो अपनी। और सच में भोलेनाथ ने कर दी हमारी हेल्प, मतलब वहीं पर हमें प्रसाद दे दिया कि जाओ बच्चों, तो बहुत ही अच्छा लगा। पूजा का कैमरा ऑन था क्योंकि हमारे तो मैं ब्लॉग बना रही थी, मेरा तो हाथ में था बट मेरा ऑन नहीं था, पूजा का पता नहीं कैसे ऑन रह गया था कैमरा, और उसमें थोड़ी सी वीडियो भी बन गई है कि गाड़ी कैसे फंसी थी, तो मैं ना थोड़ा सा आगे क्लिप ऐड करूँगी तो आप देखना, मतलब
मतलब मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि कहीं हम गए हैं और हम इतना घबरा गए कि अब क्या होगा, और वो 5-6 जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने हमारी सच में बहुत हेल्प की। वो नहीं होते तो सच में ट्रैक्टर वगैरह को ऐसा कुछ करना पड़ता, बट उन्होंने बहुत हेल्प की। और पता है क्या हुआ कि उनके हाथ में सामान थे पूजा के, और फिर वो एक हाथ से खींच रहे थे गाड़ी, तो मैंने वो भी उनसे ले लिया कि भैया ये सामान मुझे दे दो, आप दोनों हाथ से खींचो जिससे गाड़ी जल्दी निकल जाए। मैं तो बहुत घबरा गई थी। मैंने एक बार बचपन में देखा था ये, और मतलब मेरे को वो याद आ गया सीन की ऐसे निकालना है, तो बस मैंने भगवान से बोला कि भगवान वो खींचे तानी वाली किस्सा ना हो, वरना वहाँ ट्रैक्टर भी नहीं था, किसी को बुलाना पड़ता, बहुत ज़्यादा वो हो जाता, मतलब रायता फैल जाता। तो मैंने आपके साथ शेयर किए और बस, और यहीं पे दियन करते हैं। पूजा तो बोलने की स्थिति में नहीं है, कह रही मैं कैसे बोलूँगी, मैं कह रही पूजा तूने वीडियो बनाई है तो तू बोलना कि कैसे बनी क्या हुआ, कि मैं तो बस ऑन था कैमरा इसलिए वो बन गई, पता नहीं कैसे, नहीं तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है, मतलब मैं तो सच में बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और ये उसके अंदर थे, और वहाँ पे ना चंबल की आपने वीडियो में देखना, मैंने दिखाया है कि काफ़ी वो मंदिर नीचे की बेड़ों में नीचे जाके मंदिर है, तो जो रोड है ना साइडों में उनके खाई है। तो जब एक भैया ने बोला ना कि ये पता नहीं कितनी लंबी खाई है, तो मेरा मन ऐसा कर रहा था कि इनको निकाल लो, जाने दो गाड़ी को कितना भी जाए नीचे, बट भगवान जी ने सब संभाल लिया और हम लोग अच्छे से सही सलामत घर पर आ गए। पक्का बस मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, पूजा करूँगी, अभी 6:30 बज रहे हैं तो दीपक वगैरह जलाऊँगी, और यहीं पे ब्लॉग का दी एंड करते हैं। अच्छा लगे तो आपको लाइक करना, और बस मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।